नमस्कार विजय केसी न्यूज में स्वागत है आपका। फिलहाल सी तस्वीरें आपको बता दें परेड ग्राउंड से, जहां पर आपको बता दें वैक्सीनेशन का जो टाइम था वो शाम को 6 बजे तक का टाइम था, जिसे बंद करने का टाइम था कि शाम को 6 बजे तक वैक्सीनेशन होगी। वहीं पर जो लोग थे वो काफ़ी लोग जब बैरिकेटिंग लगाकर उसको बंद कर दिया गया कि हाँ 6 बजे तक का जो कोटा वो पूरा हो चुका था, जो लोग थे अंदर आ चुके थे वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। लेकिन कुछ लोग जो लाइन में लगे हुए थे, जो सुबह 10 बजे से लोग बताए जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे फुटेज में क्या क्या लोगों ने बोला। वहीं पर जब यहाँ पर मौके पे जो प्रशासन की तरफ से या मौके पुलिस प्रशासन की तरफ से SHO साहब सुखदेव जी ने वहाँ पर उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से बात करी कि जो लोग यहाँ पर खड़े हैं फिलहाल उन लोगों का क्या किया जाए, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर काफ़ी हल्ला कर रहे हैं कि हाँ हमारी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अब जो आज दिहाड़ी हमारी ख़राब हुई और कल भी दिहाड़ी ख़राब होगी, उसके मद्देनज़र फिलहाल उन सभी लोगों को अंदर जाने का मौका दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी अपडेट बता दें, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से SHO सुखदेव जो है उन्होंने प्रशासन से बात करी, प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया कि जो यहाँ का माहौल है वो ख़राब होता जा रहा है और कुछ जो गाड़ियाँ यहाँ पर 20-50 गाड़ियाँ जो है बताई जा रही हैं जो थी अंदर, उन सबको अंदर कर दिया गया है कि ताकि उनकी वैक्सीनेशन हो सके। जो आज जो दिन की दिहाड़ियाँ ख़राब हुई है वो कल उनकी दिहाड़ियाँ ख़राब ना हो। क्या दिक्कत हुई? सुबह के 10 बजे के लगे जी लाइन में, अब आके इन्होंने नेक पॉइंट पे आके कहता जी आज नहीं लगेगी, जाओ कल। बेला विस्ता से लगे हुए हैं और रूट बनाया इन्होंने 5 किलोमीटर का बनाया हुआ है, जबकि बेला विस्ता यहाँ से 1 किलोमीटर पे है। आप बताओ कि वो वाला रूट बढ़िया है कि ये वाला रूट बढ़िया, आप बता दो। नहीं, और अगर रोकना भी था तो स्टार्टिंग में आप लास्ट 500 गाड़ी के पीछे आप PCR अपनी लगा दो कि इसके पीछे कोई गाड़ी है, प्रॉब्लम कोई प्लानिंग ही नहीं है। पता क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी मैनेजमेंट की। अगर आपको जितनी वैक्सीन है फोर्स, अगर आपके पास 1000 वैक्सीन आई है या 1500 वैक्सीन आई है, उतनी गाड़ियाँ काउंट करके आप बाकी गाड़ी को बाहर निकाल दो पहले, क्योंकि पता क्या सुबह से लोग यहाँ 6 बजे लाइन में लगे हुए हैं, दोपहर का खाना नहीं खाया, जिसका यहाँ 2 स्लॉट से 9 से 12 और 4 से 7 वाला, कुछ लोग 10 बजे सर वो बात वो नहीं है सर, बात ये है कि अब देखो सर गर्मी कितनी हो रही है आपको पता है, हर बंदा भी यहाँ, एक तो कोविड इतना चल रहा है, आपको पता है कितने लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंस आपके सामने हो गया, वो किस चीज के लिए है? इस चीज के लिए मेन बात है मैनेजमेंट की। एक और बात देखिए, एक और बात समझिए, हमारे साथ लेडीज भी हैं, ओके, किसी को टॉयलेट जाना है, किसी को भूख लगी है, इतनी दिक्कत, किसी को पानी की दिक्कत हो रही है, सुबह से 10 बजे से लेकर अभी शाम के 5 बज गए हैं, और इतनी कॉमन सेंस नहीं है मैनेजमेंट को कि जिस तरह इन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन उनको पता है उनके पास कितनी वैक्सीन हैं, उतना गिन ले, उतने कारों को बोले कि आप रहो खड़े बाकी चले जाएं। जीरकपुर से वो भी मुझको किसी मेरे फ्रेंड ने बताया, मैंने कुछ महीनों में फ्लाई करना है इंडिया से बाहर, ऑलराइट, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि ऐसे वैक्सीनेशन है, आज सुबह के 10 बजे से आया हूँ, 7 घंटे हो गए सर, 7 आवर्स, कैन यू बिलीव दिस, 7 आवर्स। दो बार ही आ जाता है जी, हमें हद हो गई है यार, ये कोई कॉमन सेंस नाम की कोई। 7 घंटिया दे विच 6 बारी पिज़्ज़ा फैक्ट्री चो बन के 6 बारी डिलीवर हो जाता जी, इतने 7 घंटिया चे सानू लाइन च लग के साडा नंबर नहीं आ रहा। मेरा नाम मोहित बंसल है, पंचकूला सेक्टर 20 से। हम सुबह 10 बजे से लाइन में लगे हैं, बेले विस्टा चौक पे लाइन में लगे थे और तब से लगे हैं, और अब आगे सिर्फ 10 गाड़ियां बची हैं, किनारे के पास आगे आपको रोक दिया गया। बिल्कुल रोक दिया गया जी, तो अब 7 घंटे हो गए हैं, या तो इनको रास्ते में इन्फॉर्म कर देना चाहिए, अभी भी लोग लगे हुए हैं वहाँ KC क्रॉस रोड, KC होटल तक। हुई थी कि जो लोग लाइन में लगे हैं वापस चले जाएं, क्योंकि जो वैक्सीनेशन का टाइम 6 बजे तक का है और अंदर वहां पे रश लग चुका है। तो 6 बजे तक का अगर है तो 6 बजे तक तो चलानी चाहिए कम से कम। जैसा अंदर का जो कहना है, जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं कि जो अंदर जो अगर हम 6 बजे तक भी करेंगे, 6:30 बजे तक का हमने कोटा ले लिया है, मगर ये तो बात गलत है ना, अब ये गाड़ी को यहाँ रोक दिया तो ये गाड़ी क्या करेगी सर? ऐसा है मेरी, ये कल फिर लगेगा, ये फिर आके यहाँ रुक जाएगा, तो ऐसे वैक्सीनेशन ही नहीं हो पाएगी। खड़ी हुई ना, देखो सबने टाइम स्पेंड किया, मैं भी 7 घंटे से खड़ा हूँ, अब मैं कल फिर आऊंगा, कल भी 7 घंटे खड़ा है कि हम लोग, बेटर यही है कि सबको टोकन दो आप। हम तो अभी जितनी गाड़ियाँ खड़ी है ना इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, गाड़ियाँ यही छोड़ के जाएंगे, नहीं एक मिनट, पूरा हेल्थ सिस्टम ये चाहता है, हेल्थ मिनिस्ट्री ये चाहती है कि आम जनता कोऑपरेट करे आप लोगों के साथ, इन लोगों के साथ कोऑपरेट करे, जब हम लोग कोऑपरेट करते हैं आप हम लोगों को ऐसे तंग करेंगे, तो ये तो हरासमेंट हुई ना पूरी। तो 6 कहाँ बजे अभी आप ऐसा करते हैं ना, सुनिए मेरी बात, आप 6 बजे लाइन बंद कर देते तो हमें समझ भी आती थी, अभी भी 1 घंटा पड़ा है, अभी भी 25-40 गाड़ियां और अंदर जा सकती हैं, 6 बजे का दिया गया है, एब्सोल्युटली
अब 6 बजे बंद कर दीजिए। हाँ तो अंदर सारी गाड़ियाँ जा ही चुकी हैं, 4 गाड़ियाँ ही बंद कर दिया था इन्होंने। अब 6 बजे कीजिए ना। 10 बजे सुबह से लाइन पे लगे हुए हैं, बट जब अब टाइम आया है 5:45 तक बोला था इन्होंने कि 5:45 तक वैक्सीनेशन लगेगी। अब जब हमारी पूरी गाड़ी अंदर तक पहुँच चुकी है, या तो तुम पीछे से बाहर से ही करवा दो वापस, बट इन्होंने आगे लाइन लगवा के बैरिकेड लगवा दिए हैं और अब बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं होगी, कल सुबह आना। अब कल फिर हम आके 10 बजे लाइन में लगेंगे, रात के 6 बजे तक फिर बैठे रहेंगे यहाँ पे। हम आए हैं मोहाली से। हाँ जी, 10 बजे से लगे हुए लाइन में। हाँ जी, ना कुछ खाया है, ना कुछ खाना है, ना कुछ खाया ना पिया है, कुछ ऐसे ही बैठे हुए भूखे सुबह से। कोई हंगामा नहीं है, जनता को संतोष नहीं है। संतोष अनमोल धन है, हमारी हिंदू जनता संतोष नहीं करती। नहीं, वैक्सीन तो 6 बजे तक है, गाड़ियाँ चल रही हैं, ऐसा ऐसा चल रही गाड़ियाँ, जो वहाँ जितनी बुलाएंगे उतनी गाड़ियाँ हम भेज दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहेंगे अगर 1000 बिगड़े हम तो 1000 का लगवा दें, हमारे हाथ में हो। काम तो डॉक्टरों ने करना है, वैक्सीन तो डॉक्टरों ने करनी है। जैसे जैसे ADC साहब वहाँ खड़े, जैसे उनके आदेश हो वैसा काम करेंगे। पहले आपको आदेश आए थे बैरिकेडिंग कर दी जाए, लोग पहले आदेश थी बैरिकेडिंग कर दिया, फिलहाल रोक दी जाए, जितनी गाड़ियाँ अंदर हैं उनका वैक्सीन कर दिया जाए, उसके बाद देखेंगे कितनी गाड़ी हम बुला सकते हैं। दोबारा भी आपने बात करके बताया सारा मामला, तो फिर बात उन्होंने बताया जितने और जो गाड़ी है थोड़ी बहुत गाड़ी खड़ी उनको भेज दो।